मंच पर नेताजी अचानक से बिलक बिलक कर रोने लगे, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और महिलाओं से कर रहे थे नेताजी अपील। जी हाँ, ये नज़ारा है मुरादाबाद का, जहां यूपी निकाय चुनाव की तैयारी में नेताजी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। ये नेता थे समाजवादी पार्टी के याकू, जो मंच से बिलक बिलक कर आंसू बहाने लगे। नेताजी रो रो कर भाषण दे रहे थे और कार्यकर्ता उनकी पीठ थपथपा रहे थे। कुछ नेताजी के सिर पर तो कुछ चेहरे पर हाथ फेर कर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, इसके तैयारियों में सभी लोग जुटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नेताओं ने मतदाता को रिझाने के लिए उनके बीच पहुंचना शुरू कर दिया है और तरह तरह के हथकंडे नेताओं जी द्वारा अपनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पागबड़ा नगर पंचायत में तो समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद याकूब मंच से महिलाओं के बीच भाषण देते वक्त रो पड़े। मोहम्मद याकूब बिलक बिलक कर आंसू बहाने लगे। नेताजी रो रो कर भाषण दे रहे थे तो उनके कुछ कार्यकर्ता उनकी पीठ थपथपा रहे थे। नेताजी महिलाओं से अपनी इज्जत रखने की गुहार लगाते हुए दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने मंच से कहा कि आप चुनाव में मेरी इज्जत रख लेना, मैं चुनाव में आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद याकूब ने कहा कि आप मुझे वोट दें, आप अपनी बेटियों को डॉक्टर, वकील और जज बनाएं ताकि वो हमारे लिए हक की लड़ाई लड़ सके। मोहम्मद याकूब का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम प्रॉपर्टी डीलर और समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद याकूब और उनकी पत्नी रेशमा ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ बुलाया था, जिसमें संबोधित करते हुए नेताजी इमोशनल होकर रोने लगे। तो नेताजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मोहम्मद याकूब बिलख बिलख कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। इज्जत रखी जाएगी, ऐसी बात नहीं है, हर माता हर बहन इज्जत रखेगी। मैं कुछ नहीं हूँ आपसे, कुछ भी हूँ बस मैं सच्चा इज्जत रखी जाएगी हर माता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में मैं कुछ ऐसा करूँ जो मेरी आंखें बिस्तर जाए और किसी के घर भी सब जाए।